अच्छा जी, हमारा आज है लेक्चर नंबर 2। अच्छा, फॉर सम रीज़न ये इससे ज़्यादा इसका साइज़ नहीं मैं इंक्रीज़ कर पा रही। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे जी ट्रांसफॉर्म से। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने शुरू किया था, और जी ट्रांसफॉर्म की कल हम लोगों ने थोड़ी सी मतलब मोटिवेशन या इसका इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुका था। और फिर हम लोगों ने एक दो सिग्नल्स का एक्स ऑफ जी निकालना सीखा। और एक्स ऑफ जी निकालने के अलावा हम लोगों ने ये भी सीखा कि हर एक्स ऑफ जी के साथ एक रीजन एसोसिएट होता है, जिसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं हम। और उसके अभी हम लोगों ने आज थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करनी है कि हर एक्स ऑफ जी के साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का लिखना क्यों ज़रूरी है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर कोई डिफाइन कर दे तो फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो जो दूसरी आपने बात की ना, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि जिस रीजन में हमारा सॉल्यूशन लाई कर रहा हो, ये शायद ठीक जवाब मतलब ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस रीजन में हमारा एक्स ऑफ जी फिनिट हो, ये ज़्यादा बेहतर जवाब है। या आप इसे कह सकते हो कि बिल्कुल ये ठीक जवाब है कि हम एक्स ऑफ जी को तो इन्फिनिट नहीं करना चाहते ना, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ पहले देखी है कि एक्स ऑफ जी तो स्टेबल अनस्टेबल सिग्नल्स दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। यानी कि एक्स ऑफ एन अनस्टेबल हो तो भी उसका एक्स ऑफ जी एग्जिस्ट कर सकता है। तो उस सूरत हाल में अगर एक्स ऑफ जी भी अनस्टेबल हो तो फिर हम उसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे। तो इसलिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो सारे उन पॉइंट्स का मजमुआ है जहाँ पर एक्स ऑफ जी फिनिट होगा। अच्छा, कल हम लोगों ने थोड़ा एफ आई आर तो नहीं कहना चाहिए, फिनिट टाइम ड्यूरेशन जो सिग्नल्स है उनका एक्स ऑफ जी कंप्यूट करना सीखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं इनफिनिट टाइम ड्यूरेशन सिग्नल से, ठीक है, उनका एक्स ऑफ जी निकालना सीखते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कि आर ओ सी ज़रूर लिखा जाए एक्स ऑफ जी के साथ, क्योंकि अगर आर ओ सी साथ नहीं लिखा जाएगा तो समटाइम्स एक्स ऑफ जी कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग। ठीक है, तो एक तो आर ओ सी की इंपॉर्टेंस ये हो गई कि उससे हमें पता चलता है कि एक्स ऑफ जी फिनिट कहाँ पर है, और उसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो अभी हमें इन सिग्नल्स का एक्स ऑफ जी निकाल कर पता चलेगी कि उसकी एक और इम्पोर्टेंस क्या है आर ओ सी की। अच्छा जी, हम लोगों ने अज्यूम करना है एक लेफ्ट साइडेड सिग्नल, नहीं लेफ्ट नहीं, ओके पहले हम राइट करते हैं, पहले राइट करेंगे ज़्यादा बेहतर। अच्छा, इस राइट साइडेड सिग्नल से पहले जो कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट है सिस्टम्स के लिए वो तो आप लोगों को पता है, ठीक है, सिग्नल्स के लिए थोड़ा सा आइडिया है इसका। किस तरह के सिग्नल्स हम कॉजल कहते हैं बताइए, जो जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जाए ना, मतलब जैसे जो सारे के सारे सिग्नल राइट साइडेड हों उनको हम कॉजल सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सिग्नल्स -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएं उन्हें क्या कहते हैं। एंटी कॉजल, ठीक हो गया। और जो सिग्नल्स टाइम के दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हो उन्हें नॉन कॉजल, ठीक हो गया। तो अच्छा, वैसे शायद आप लोगों ने ये भी सुना हो किसी सब्जेक्ट में कि ये जो टर्म है ना कॉजलिटी, ये बेसिकली सिस्टम्स के लिए डिफाइंड है। ये जो हम सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, टेक्निकली इट इज़ इनकरेक्ट, लेकिन सिर्फ सिग्नल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि
राइट साइड पे कौन सा सिग्नल जा रहा है, लेफ्ट साइड पे कौन सा सिग्नल जा रहा है, उनके नाम अलग अलग करने के लिए हम ये वाली टर्म यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये टर्म्स सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होती है, सिग्नल्स के लिए नहीं। अच्छा, अभी हम लोगों ने सिग्नल दिया, ये एक राइट साइड सिग्नल है हमारे पास, मैंने ये जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका जी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखते हैं। ये आ गया हमारे पास x ऑफ n, और ये हमारे आ गया, मतलब ये फॉर्मूले में मैंने प्लग इन कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे बताना है कि इस u ऑफ n को देखकर मैं लिमिट्स क्या लिख सकती हूँ। ये सिग्नल माइनस वन से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जीरो है, ठीक है, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं। Yes? अच्छा, आगे अब हम लोगों ने, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कोई वेरिएबल की पावर में, मतलब बहुत सारे सम्स हो रहे हो सच डैट वो जीरो से इन्फिनिटी जा रहे हो, तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, और वो क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन हमें अलाउ करता है कि हम इसका आंसर इस तरह से लिख दें। लेकिन ये लिखने के लिए एक शर्त क्या है, हम किस कंडीशन में ये लिख सकते हैं? आर लेस देन वन, और बिल्कुल ठीक है, और आर यहाँ पर हमारे पास है ये चीज़, तो ये हमारे पास इट शुड बी लेसर देन वन। अच्छा, अब ये तो हमारे पास एक्स ऑफ जी का आंसर आ गया, और ये हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन आ गई कि अगर एक्स ऑफ जी को हमने ये लिखना है, मतलब इस इक्वेशन से अगर हमने ये लिखना है, तो ज़रूरी है कि ये चीज़ होल्ड करे। अच्छा, अब इसको लेकर सर आगे चलते हैं। ठीक है, और फर्दर जिस वक्त हमने रेसिप्रोकल लेना है तो इक्वालिटी जो है वो बदल जाएगी, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई है? ओके, अब मैं ज़रा इसको इस एक्सिस में 2D में बना के आपको दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों ने ऐसे में जब इसको पढ़ा होगा ना जी जी नहीं लैपलास में, तो आई एम नॉट श्योर कि आपने किसी सब्जेक्ट में जब लैपलास पढ़ा था तो उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह पढ़ा था कि नहीं। वो बेसिकली एक प्लेन होता है, थोड़ा सा आइडिया है उसका है कि नहीं? ओके ओके ओके, मतलब उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको थोड़ा सा आइडिया है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम जब देखने की कोशिश करते हैं कि ये वाला एरिया, मतलब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर रीजन आता है। ये हमारी कल बात इस तरह की हुई थी कि सर्कुलर रीजन क्यों आता है। ओके, ये भी कल वाले की तरह का है, सूरज की शुआएं, सर्कल सर्कल के बाहर का रीजन बेसिकली। ये सर्कल भी इसका हिस्सा नहीं है, बिकॉज जी मस्ट बी ग्रेटर देन ए, तो सर्कल भी इसका हिस्सा नहीं है। मतलब अगर जी जो है वो ए के बराबर भी हो गया तो भी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वैलिड नहीं होगी। अच्छा, तो ओके, हम लोगों ने अब ये देखा कि हमारे पास जिस वक्त एक्स ऑफ एन एक राइट साइड सिग्नल इस तरह से था, तो उसका जी ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये आया, ठीक है, और उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो ये है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें अब हम एक एंटी कॉजल सिग्नल जो है वो अज्यूम करने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलने से पहले मैं पहले तो हम लोगों ने चूंकि इस एक्स ऑफ एन को इस्तेमाल करना है एक्स ऑफ जी की क्वेश्चन में, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला सिग्नल प्लॉट कैसे होगा। जब हम लोगों ने, हमें कोई यूनिट स्टेप सिग्नल गिवन हो या स्टेप सिग्नल गिवन हो, तो हम लोगों ने ये देखना होता है बेसिकली कि सिग्नल का पहला नॉन जीरो सैम्पल कहाँ पे है, और उसके बाद सिग्नल किस डायरेक्शन में प्रोसीड करे। ठीक है, वो जाहिर सी बात है राइट पे भी जा सकता है, लेफ्ट पे भी जा सकता है, तो उसका तरीका क्या है कि
मतलब कुछ आपने कोई चीज सीखी भी है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा इसका पहला सैंपल कहाँ पे आएगा, कुछ आइडिया है? मतलब ड्रॉ करने के बगैर मैं, एक तो तरीका ये ना कि मैं पहले यू ऑफ एन प्लॉट करूँ, फिर यू ऑफ एन माइनस वन प्लॉट करूँ, फिर उसको फ्लिप करके यू ऑफ माइनस एन माइनस वन पे जाऊँ, तो ये तो 3 स्टेप्स हो गए ना। उसके बगैर मुझे कैसे पता चल सकता है? बिल्कुल ठीक है, माइनस वन माइनस मतलब जो भी इसका आर्ग्यूमेंट है माइनस एन माइनस वन, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। तो एन किसके बराबर आएगा? माइनस वन। तो ये जो सैंपल है ये बेसिकली इस यूनिट स्टेप का फर्स्ट सैंपल है, ठीक है? यहाँ पर आ गया फर्स्ट सैंपल। अब अगला डिसीजन हम लोगों ने ये लेना है कि इस ये सिग्नल इस तरफ प्रोसीड करेगा या इस तरफ, ठीक है ना? मतलब ये हमारे लिए अब एक सवाल है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक तो इंट्यूटिवली तो यस, एक तो हमारे पास तरीका ये हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इधर कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सा कि आपको स्ट्रेट अवे देख के अंदाज़ा ना हो। इंट्यूटिवली तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अगर माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव साइड पर प्रोसीड करेगा, लेकिन उसका मैथमेटिकली एक तरीका ये है कि हम उसके आर्ग्यूमेंट को मतलब उसको आर्ग्यूमेंट बेसिकली 0 से बड़ा होगा, या इक्वेशन ये उसको फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है? ये देखने के लिए कि सिग्नल ने अब आगे किस तरफ जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट वुड बी एन लेसर देन माइनस वन, ठीक है? ये उसके फर्स्ट सैंपल और ये उसके फिर नेक्स्ट सैंपल आफ्टर फर्स्ट। तो ये मतलब सिग्नल जो है ये इस तरफ जाएगा, ठीक हो गया? तो ये सिग्नल बेसिकली एग्जिस्ट करता है माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, तो इस सूरत हाल में अब मुझे लिमिट्स पुट करनी है, आपने मुझे बताना है कि मैं क्या लिमिट्स पुट करूं। जी बताइए। बेसिकली मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लो से हाई वैल्यू की तरफ जाएंगे। अच्छा ओके, अब करना हमें ये है कि एल एन को पुट करना है, या माइनस एन को एम के बराबर, मतलब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब चेंज के बाद लिख सकती हूँ ठीक है, ये देखो ये समझ आती है कि कैसे लिखा है। ओके, एक सैंपल हमारे पास मिसिंग है एम इज इक्वल टू 0 वाला, तो एक दफा वो सैंपल हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक दफा वो सैंपल हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? 2-3 दफा हम लोगों ने इसको पहले भी देखा है। जो हमारे पास सैंपल था प्लस के साइन के साथ वो बेसिकली अब इस तरफ मतलब इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? और ये समेशन हमारी अब वेरी करेगी 0 to infinity ए रेज टू पावर -1 जी इसकी पावर एम, और ये अच्छा इसको मैं 1 भी लिख सकती हूँ, अब मुझे पावर 0 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है? ये वाली जो टर्म है किसी को की बात समझ ना आ रही हो तो प्लीज आप मुझे वहीं पे रोक के मुझसे पूछो, क्योंकि अगर कहीं एक स्टेप पे भी ऐसा हुआ कि आप ट्रैक लूज कर गए तो फिर आगे समझना मुश्किल होगा। अच्छा, इसका थोड़ा रिजल्ट कंप्यूट करने की कोशिश करो कि क्या आता है, मतलब ओके ये हम लिख लेते हैं क्योंकि ये तो हो सकता है किसी को इस वक्त याद ना हो।
ठीक है, इसका ज़रा रिज़ल्ट आपने मुझे बताना है कि क्या आता है, और फिर अगली बात करेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के हवाले से। माइनस जी ओवर ए माइनस जी, वाहे वाले माइनस को आप जरा कहीं पे एडजस्ट करो ना, मतलब इक्वेशन में। ऐसे ये ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा अब हम करने ही लगे हैं कि इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ और डिवाइड करने लगी हूँ जी इनवर्स के साथ, तो ये मेरे पास आ गया इसके बराबर। ओके ये कुछ फेमिलियर लग रहा है, पहले ऐसी चीज निकाली है हमने। निकाली थी ना हम लोगों के पास जो ये वाला सिग्नल था, जो कि बेसिकली एक कॉजल सिग्नल था, इसको इसके ऊपर जब हमने जी ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई किया था, तो हमारे पास एग्जैक्टली यही वाला एक्स ऑफ सी आया था। ठीक है, तो हमें x ऑफ z को देखकर कैसे पता चले, क्योंकि टाइम डोमेन में तो सिग्नल, दोनों सिग्नल डिफरेंट है, कॉजल सिग्नल की और शक्ल सूरत होती है, एंटी कॉजल की और होती है, तो हमें इस x ऑफ z को देखकर कैसे पता चले कि ये सिग्नल कॉजल है या एंटी कॉजल। जवाब है कि हमें नहीं पता लग सकता। ठीक है, x ऑफ z को देखकर वी कैन नॉट फिगर आउट कि सिग्नल जो है वो कॉजल है या एंटी कॉजल। लेकिन एक चीज़ जो कि इसको डिफरेंशिएट कर सकती है, इसको से मुराद है कि कॉजल और एंटी कॉजल सिग्नल्स को आपस में डिफरेंशिएट कर सकती है, वो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एक्सप्रेशन। मसलन आप लोगों ने जब ये डिसाइड किया था कि ये जो समेशन है इसको हमने ऐसे लिखना है, तो उसके बाद एक कंडीशन भी तो लगी होगी ना, एक कंडीशन है वो फुलफिल हम करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। वट इज़ दैट कंडीशन? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कंडीशन ये है कि ये जो आर है हमारे पास, इट शुड बी लेसर देन वन। अच्छा थोड़ा सा यहाँ से कंप्यूट करो, मुझे बताओ कि जी के टर्म्स में अब हम कैसे लिखेंगे इसको। बिल्कुल ठीक है, इस जी को बेसिकली हम जब मतलब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को मैनिपुलेट करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और इसको जब हम टू डायमेंशनल एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास नहीं सूरज अंदर आएगा ना। अब हमें सूरज के अंदर, अब हमें सूरज से गर्ज है, शुआओं से नहीं, ये वाला रीजन। ओके अच्छा मैं इनसाइड, यस मैंने सुना नहीं था, आई एम सॉरी, लेकिन यस अब जो इनसाइड रीजन है ना हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, मतलब मैं यहाँ से यहाँ पे देखना चाह रही हूँ क्या कोई बात समझ आई है कि नहीं, या ये जो हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका फ़ायदा है कि नहीं। जी बोलिए। मेरा ख्याल है कि नहीं, लेकिन अच्छा आप मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या है। ये माइनस ये आपका मेरा, ओके मसला हल हो गया आपका, राइट, क्योंकि आपका शायद ए माइनस ही होगा नीचे। ठीक है ना, यहाँ से तो आगे हो जाएगा ना। यस ओके ओके अच्छा ओके सवाल मैं ये पूछ रही थी कि ये इस बात का मतलब क्या है कि हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ये सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कहाँ पे है, क्या मतलब क्या है इस बात का?
वेरी गुड। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो ये पॉइंट्स हैं सारे, इस बात का मतलब ये है कि या मैथमेटिकली तो इस बात का ये मतलब है कि बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ उस वक्त इस तरह से लिखी जाएगी, यानी कि ये टर्म सिर्फ उसी सूरत में इस तरह से लिखी जाएगी अगर जी की ये वाली वैल्यूज़ हों, अगर जी इनके बाहर कोई वैल्यू ले ले, मतलब लेट सपोज कि मैं कहती हूँ कि ये वैल्यू ए प्लस वन है, अगर जी ए प्लस वन ले लेगा तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे, इस टर्म को ऐसे नहीं लिख सकती, मैथमेटिकल जो इस बात का ये मतलब है। लेकिन इंट्यूटिवली इस बात का बिल्कुल वही मतलब है जो आपने कहा कि एक्स ऑफ जी बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर फिनिट है, इसके बाहर हम कोई पॉइंट भी लेंगे, मसलन ए प्लस वन जैसे मैंने कहा, तो एक्स ऑफ जी उसके ऊपर इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो वी डोंट नीड दोज पॉइंट्स, वी डोंट नीड टू इंक्लूड दोज पॉइंट्स इन आर सोल्यूशन। तो ये बेसिकली मतलब है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखी, वो ये कि अगर हमारे पास कॉजल सिग्नल हो या एंटी कॉजल सिग्नल हो तो उन दोनों के एक्स ऑफ जीज एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली तो दोनों सिग्नल्स डिफरेंट हैं, वो टाइम डोमेन में भी डिफरेंट लगते हैं, दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो उन वो डिफरेंट हमें कैसे पता लगे, मतलब एक्स ऑफ जी को देखकर हमें कैसे पता लगे? तो उसका जवाब ये है कि एक्स ऑफ जी माइट बी सेम फॉर बोथ एंटी कॉजल एंड कॉजल सिग्नल्स, लेकिन जो चीज़ उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। इसका मतलब ये है कि रीजन जो मैंने बिल्कुल पहली स्लाइड लिखते हुए आपसे बात की थी कि एक तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अंदाज़ा होता है कि एक्स ऑफ जी वेयर इट इज़ फिनिट। ठीक है, तो एक तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें ये बताता है, तो इसलिए उसका लिखा होना सा ज़रूरी है। लेकिन एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता है कॉजल मतलब एंटी कॉजल या नॉन कॉजल जो भी मैं लिखूँ। वैसे मुझे ज़्यादा बेहतर था कि मैं यहाँ पे ये लिखती, पहले मैं ये चीज़ कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा बेहतर ये था कि मैं यहाँ पे लिखती कि आइडेंटिफाइज कॉजैलिटी। ठीक है, अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपके सामने ड्रॉन हो तो उसको भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हो ना, मतलब इस बात का ये है कि ये अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो तो मैं देख के पता चल रहा है कि सिग्नल नॉन कॉजल होगा, सॉरी एंटी कॉजल होगा। ठीक है, और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो इस तरह का तो हमें देख के पता चल जाएगा कि जो सिग्नल है दैट इज व्हाट। ठीक है, तो इस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कॉजल सिग्नल का होता है और इस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंटी कॉजल का होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप करते हैं, जो कि बिल्डअप इस तरह से होगा कि हम यहाँ पर एक सिग्नल लेंगे विच इज़ नॉन कॉजल, यानी कि टाइम के दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है वो सिग्नल। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको मतलब एक दो स्टेप्स जारी से बताया, बीच में लिखोगे ठीक है, और एक जगह पर कुछ आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आएगी, एक वो इंटरमीडिएट क्वेश्चन लिखती हूँ और उसके बाद थोड़ा कोशिश करो कि आप इसका एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन निकाल सको। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर जी की कहीं पर नेगेटिव पावर्स नहीं लिखी, तो ये भी एक तरीका कार होता है जी ट्रांसफॉर्म पर लिखने का। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जी ट्रांसफॉर्म हम जब भी लिखें वो नेगेटिव जी के नेगेटिव पावर्स में ही लिखा जाए, जी के पॉजिटिव पावर्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दो फॉर्म सॉल्यूशन आपने मुझे इसकी बतानी है। थोड़ा सा मतलब इसका एलसीएम वगैरह लेकर जरा इसको सॉल्व करो और फिर एक्स ऑफ जी का फाइनल आंसर बताना है।
जी बोलिए। वन ओके, वन के बाद। अच्छा कम, आपका आपका आंसर वन आ रहा है। ओके एंड किसी और का वन के अलावा कुछ आ रहा हो तो प्लीज बताइए। अच्छा ओके, मेरा आंसर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रॉबली डिनोमिनेटर शायद यही हो। मैं आपके सामने जो मेरे पास कैलकुलेशंस हैं उसके बाद जो मेरे पास आंसर आया है वो लिखती हूँ, और फिर आप उसको ज़रा अपने सोल्यूशन से मैच करना या देखना कि आपका वो आंसर आता है कि नहीं। न्यूमिनेटर मेरा थोड़ा डिफरेंट है आपसे, यहाँ पे मैंने चूँकि वो ले ली है, क्या कहना चाहिए, फैक्टराइज कर लिया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। मेरे पास जो है ना वो कंप्यूटेशंस वो ये वाला आंसर देती है, ठीक है। अच्छा किसी और का क्या ये आंसर आया है, अगर किसी और ने ट्राई किया हो तो। या किसी का इन दोनों के अलावा कोई और आंसर आया हो तो। अच्छा आज आप लोग बड़े खामोश जवाब नहीं दे रहे हो। जी बोलिए, आपका आया है ये वाला आंसर आया है। ओके चलो मैं इसको एक दफ़ा फिर भी ट्राई करना, ठीक है। अभी हम इस वक्त अगर डिटेल सोल्यूशन में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं भी इसको एक दफ़ा ट्राई करूँगी, ठीक है। और जी समझ नहीं, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, चैट में आप सोल्यूशन करके पिक्चर भेज देते हो। ओके आप कर लो, ठीक है। अगर उसमें मुझे लगा कि कहीं पे कोई स्टेप मिसिंग है तो मैं फिर बता दूंगी, नहीं तो फिर मैं वहीं पर जो मेरे पास सोल्यूशन है ना उसकी तस्वीर मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके अच्छा अब मतलब एक्स ऑफ जी हम फिलहाल उसको डिसाइड नहीं करें, लेट्स सी कि अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है तो हम इसको लेके आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाऊँगी कि हम लोगों ने जिस वक्त ये वाली टर्म्स लिखी थी तो हम लोगों ने उस वक्त किन कंडीशंस के तहत इनको लिखा था, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। आर ओ सी पे आपका भी ओके ओके ओके, ये कम से कम इसका मतलब कि तीन लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हो सके ये करेक्ट हो, लेकिन फिर भी दफ़ा मैं कैलकुलेशंस अपनी भी देख लूँगी और जो आप अपलोड करोगे वो भी देख लूँगी। अच्छा आर ओ सी को देखते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी ऊपर, ये क्या कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी। अच्छा आप मुझे इसका बता रहे हो, जी दो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब एक कंडीशन इस, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट, मतलब एक कंडीशन इसके लिए फुलफिल करनी पड़ेगी और एक कंडीशन इसके लिए फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे मतलब वो दोनों कंडीशंस मैं पता करना चाहती हूँ, आप प्रॉब्ली दूसरे वाले के लिए मुझे बता रहे थे, वो दूसरी कंडीशन क्या थी। इकट्ठा तो आप नहीं कर सकोगे ना, इकट्ठा कैसे करोगे, आप अलग 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 ही कर सकोगे। अच्छा चलो ट्राई कर लो। देखो
लेकिन अगर आप पुरानी दोनों एग्जांपल्स देखो ना, तो आपको बड़ा क्लियरली या स्ट्रेट अवे जिसे कहते हैं ना, पता लग जाएगा कि हम लोगों ने कैसे किया है। मतलब हम लोगों ने एक सिग्नल लिया था ए रेस टू पावर एन यू ऑफ एन, और दूसरा सिग्नल भी ए रेस टू पावर एन यू ऑफ एन, और ए के लिहाज से ही हमारी रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेस डिफाइन हुई थी। तो ए को देखकर आप बहुत क्लियरली डिसाइड कर सकते हो। टू या 1/2? ठीक है, और जी लेसर देन 3/2। ठीक है, अच्छा ओके। ये जो बेसिकली आपस कांस्टेंट टर्म्स है ना, इनके बाहर हम मॉड लगाएं या ना लगाएं इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो जी ग्रेटर देन 1/2 है ना, उसके लिए जो हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, दैट इज आउटसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/2, और इस कंडीशन के लिए वी हैव रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इन साइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 3/2। हमारे पास जब दो सिग्नल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, जैसे कि इस सूरत हाल में हम जो देख रहे हैं कि एक कॉजल सिग्नल और एक एंटी कॉजल सिग्नल कंबाइन होकर ये एक नॉन कॉजल सिग्नल बन रहा है, यानी कि एक्स ऑफ एन। फिर दो सिग्नल्स कंबाइन होते हैं, तो जो एक्स ऑफ एन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो किस तरह से डिफाइन होता है? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद आपने इसको पढ़ा हो लाप्लास में, तो इंटरसेक्शन जी दोनों का जो म्यूचुअल होगा, जिसमें दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स ऑफ एन का जो जो आर ओ सी है एक्स ऑफ एन का, दैट वुड बी इक्वल टू आर ओ सी ऑफ एक्स वन एन, ठीक है, इंटरसेक्शन विद आर ओ सी ऑफ एक्स टू एन। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन को अगर मैं देखूँ कि ये 1/2 से इसका आर ओ सी ज़्यादा है और इसका आर ओ थ्री 3/2 के अंदर है, तो मेरे पास जो सिचुएशन आती है, या जो एक्स ऑफ एन का आर ओ सी बनेगा, वो ये सारे पॉइंट्स बनेंगे जी। लेकिन तीन लोगों का, अच्छा ओके, अच्छा ओके, फिर लेट मी, मैं उसके बाद उसके तो दोबारा जाती हूँ, पहले हम जरा ना ये कॉन्सेप्ट समझ लें। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, उसकी तरफ हम थोड़ी देर में जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अब यहाँ पे ये देखा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जब इस सिचुएशन हम एक नॉन कॉजल सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक ऑफ कोर्स उसका एक पार्ट जो है वो कॉजल है, उसका दूसरा पार्ट जो है वो एंटी कॉजल है, ठीक है, और उस सूरत हाल में हमें एक डोनट शेप्ड या ये डिस्क शेप्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलता है, ठीक है, जो कि आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से हमें ऑनवर्ड्स जो एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बात समझ आई है? ओके, एक तो आपके सामने जो है ना ये तीन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसको आप इनको आप थोड़ा सा याद कर लो कि किस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, तो आपके पास किस तरह का टाइम डोमेन सिग्नल किस तरह का होगा, ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप कम से कम जो ये वाला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, ये हमें एक क्या कहना चाहिए, एक इंट्यूशन देता है, वो ये कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक नॉन कॉजल सिग्नल है एस टू पावर एन यू ऑफ एन प्लस बी एस टू पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। इसको देखकर हम मॉडिफाई कर सकते हैं जी ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन को सच दैट कि एन 0 से इन्फिनिटी जाता है, और हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन लिखी जाती है, और इसको देखकर हम
अपनी इक्वेशन को बेसिकली लिखेंगे एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन पी रेज़ टू पावर एन जी रेज़ टू पावर माइनस एन। ठीक है, अच्छा फिर हम लोगों ने इसमें खास तौर पर सीखा था कि वेरिएबल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर हम m के टर्म्स में लिखें तो वी कैन राइट सच थिंग। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इसके बाद, इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद, हम लोगों ने जब इसको क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन से रिप्लेस करना है तो फिर हमने कुछ कंडीशंस लगानी है। वो कंडीशंस ये होंगी, मतलब इस टर्म के ऊपर जो कंडीशन होगी वो ये कि ये जो टर्म है ये वन से कम हो, और इसके ऊपर कंडीशन ये होगी कि जो ये टर्म है ये वन से कम हो। ठीक है, और ये टर्म हमें देगी रिजल्ट जी ग्रेटर देन ए का, और ये टर्म हमें देगी रिजल्ट कि जी मस्ट बी लेसर देन बी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर जब एक नॉन कॉजल सीक्वेंस किया था ना तब भी हम मतलब यहाँ तक तो पहुँच गए थे हम। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को फिगर आउट करो कि ए और बी के दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इक्वल, तो जाहिर सी बात नहीं होंगे ना, इक्वालिटी या इन इक्वालिटी के टर्म्स में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए ए और बी के दरमियान ताकि एक सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सके। अच्छा, पहली बात तो कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए सो दैट आर ओ सी या फिर एक्स ऑफ जी कैन एग्जिस्ट। अच्छा, अगर बी जो है ना वो ए से बड़ा होगा तो आर ओ सी या एक्स ऑफ जी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। अब एग्जिस्ट ना करने का क्या मतलब है, पहले तो मैं आपको आर ओ सी उसका बना के दिखा देती हूँ ना कि वो आर ओ सी होगा कैसा, और फिर उसके बाद इस हम स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि वाई एक्स ऑफ जी कैन नॉट एग्जिस्ट। जी वो अब आपके पास बिल्कुल ठीक है, मतलब आर ओ सी के टर्म्स में बेसिकली होगा यूं कि ये मेरे पास होगा एक सर्कल विद रेडियस बी, और ये मेरे पास एक सर्कल है विद रेडियस ए, और वो जो x ऑफ n है ना वो कुछ मतलब जो भी उसमें a और b की वैल्यूज़ हैं वो इस तरह की हैं कि एक टाइम डोमेन में नॉन कॉजल सिग्नल तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसका x ऑफ z एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात तो आप सारों को पता है ना कि x ऑफ z जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन की इन्फॉर्मेशन नहीं देता मुझे, ये तो आपको पता है ना बात। यस, सारों को बात पता है, जब हम सिग्नल के ऊपर जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो हम उसको जी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, जी डोमेन इज नॉट फ्रीक्वेंसी डोमेन, क्योंकि हर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है ना, ये तो हम बेसिकली इसको जी ट्रांसफॉर्म में जी ट्रांसफॉर्म इसका नहीं ले सकते या इसको जी डोमेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि इसका इसकी कुछ इसका फ्रिक्वेंसी कम्पोनेंट एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। अच्छा, अब कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि हम इसको जी ट्रांसफॉर्म इसका नहीं ले सकते या इसको जी डोमेन में नहीं लेके जा सकते, इस बात का मैथमेटिकली क्या मतलब है या इंट्यूटिवली क्या मतलब है इस बात का? नहीं समझ आ रही बात, समझ नहीं आई बात की? अच्छा, ये ओके, फिर मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा सो दैट आई मे नो कि समझ कहाँ तक नहीं आई। एक मिनट बेटे, ये देखो मैंने जो आर ओ सी बनाने से पहले ना कुछ मैं ये लिख रही थी, ये वाली बात आपको समझ आई थी? अच्छा, और फिर मैंने चूंकि हम लोगों ने नतीजा निकाला था कि अगर बी ए से बड़ा होगा तो आर ओ सी भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब आर ओ सी बेसिकली फिर
इस शक्लो सूरत का होगा, ठीक है। एक तो आर ओ से एग्जिस्ट करेगा एंड हैंस फोर्थ एक्स ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर बी ए से छोटा हो तो एक तो आर ओ सी इस तरह का होगा, मतलब यहाँ पे कहीं भी म्यूचुअल पॉइंट्स नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो आर ओ सी भी बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब म्यूचुअल आर ओ सी और एक्स ऑफ जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है, एक्स ऑफ सी के एग्जिस्ट ना करने का क्या मतलब है? बिल्कुल, इस बात का मतलब यह है कि मेरे पास जी का एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं, अव्वल तो इसका एक्स ऑफ जी है लिखा ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने की कोशिश भी करें, या मतलब यहाँ के बाद हम स्टॉप कर जाएंगे ना, बिकॉज यहाँ से आगे वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। इस फॉर्मूले में मैं जी की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं डाल सकती जो मुझे फिनिट रिजल्ट दे, ठीक है, ये बात अंडरस्टैंडेबल है। जी की कोई भी वैल्यू या तो इसको इन्फिनिट बना देगी, मतलब जी डोमेन की, मतलब हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, ये दिस इज बेसिकली 0 0, ठीक है ना, उसके बाद हम किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं, तो हम जी का कोई भी पॉइंट लें तो इधर वो इस टर्म को इन्फिनिट बना देगा या फिर इस टर्म को। ओके, तो फिर एक्स ऑफ जी, मतलब जो कंक्लूजन हमने निकाला था उसमें दोबारा बोलती हूँ कि एक्स ऑफ जी इस तरह के सिग्नल का एग्जिस्ट नहीं कर सकता जहाँ पर बी ए से स्मॉलर हो। अच्छा, आज हम लोगों ने जो है ना, मतलब अभी तक के लेक्चर में कम से कम हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि आर ओ सी जो है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिटन विद एक्स ऑफ जी, मतलब आर ओ सी को एक्स ऑफ जी के साथ लिखना बड़ा ज़रूरी होता है, और उसके अलावा आर ओ सी जो है वो हमें सिग्नल की कॉजैलिटी की इन्फॉर्मेशन देता है, और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने सीखी है वो ये कि एक नॉन कॉजल सिग्नल की जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है उसके एक्स ऑफ जी की, सॉरी, नॉन कॉजल सिग्नल टाइम डोमेन में तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसका एक्स ऑफ जी में एग्जिस्ट करना, उसका एक्स ऑफ जी ऑन द फर्स्ट प्लेस लिखा जाना डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यूज़ पे, और अगर ए और बी की वैल्यूज इस तरह की हो, मतलब अगर ए बी से कम हो, तो उसका फिर आर ओ सी कैसा बनेगा, ठीक है। इन बातों में से कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो तो आप बताइए। इन द मीन वाइल मैं तेरा वो ट्रांसपेर ओके मुझे ट्रांसपेरेंसी मिल गई है। अच्छा जी, जिन लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ बीच में मिस की है वो ये कि ये कुछ लोगों का जवाब ये आया था, लेकिन कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ थी तो उस वजह से ये जवाब आ रहा था, तो अच्छा ये वाला जवाब जो है वो ठीक नहीं है, ये वाला जवाब ठीक। अच्छा, इस तरह का जवाब आ गया ना कोई, मतलब मैंने तो चूंकि इसको फैक्टराइज किया हुआ है, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अच्छा, ओके ओके, मतलब इसी को अगर मैं ये लिख दूं तो फिर लेकिन फिर भी एक टर्म तो मिसिंग है ना, कि नहीं? अच्छा, आई एम सॉरी, एक स्टूडेंट प्लीज बोले। प्लस 8 जी, ठीक है, और किसी और का ही आया है इस तरह से, ठीक है। और अच्छा, अगर ओके अगर आपका ये आ जाए तो उसे हम यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। ओके, फिर मतलब ओके, फिर ये दोनों करेक्ट हैं, सही है। अच्छा, कोई सवाल आप लोगों ने आज के लेक्चर के बारे में पूछना हो तो भी हमारे पास एक आध मिनट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं तो कल हम इंशाल्लाह करेंगे प्रॉपर्टीज जी ट्रांसफॉर्म की, और प्लीज़ प्रिपेयर फॉर अ क्विज ऑन थर्सडे एट 10, ठीक है, और प्लीज़ जी बोलिए। लैब होगी आपकी, कुछ चेंज हो गया टाइम टेबल? अच्छा ओके, चलो फिर मैं आपकी सीआर से बात करती हूँ, वो मुझे भी कोई ना कोई टाइम स्लॉट बता देगा, तो फिर क्या कर लूँ।
बेटे सिर्फ आप असल में आपकी क्लास नहीं है ना, बीच में रिपीटर्स भी हैं, तो थोड़ा सा उनको भी देखना पड़ेगा कि वो किस वक्त अवेलेबल होते हैं। तो इस वक्त हम राइट एट दिस स्टेज टाइम डिसाइड नहीं कर सकते उसको, फिर हम सीआर पे फिलहाल छोड़ते हैं। ठीक है, वीक नंबर 3 एंड 4। ठीक है, मेरा हाल है कि अगर मुझे गलत नहीं याद तो ये शायद आपका चैप्टर 2 बनेगा। अगर जी ट्रांसफॉर्म से पहले पहले, ठीक है, और कोई बात, कोई सवाल? चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।